बिहार में बीजेपी कितना भी ढोल बजा ले, लेकिन वोटों के आंकड़े में महागठबंधन अभी बहुत आगे है। खास तौर पर जब आरजेडी और जेडीयू एक साथ आती है तो बिहार की राजनीति की दशा, दिशा, परिस्थिति सब कुछ बदल जाती है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और वो इस बात को समझती है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई पिछले दिनों, उसमें इस बात पर चर्चा हुई कि महागठबंधन का जो वोट शेयर है उसको कम कैसे किया जा सकता है। इस बात पर चिंतन हुआ, मनन हुआ, मंथन हुआ कि आखिर बीजेपी अपने भरोसे कितना वोट पा सकती है, सहयोगियों के भरोसे कितना वोट पा सकती है, और महागठबंधन का वोट तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। महागठबंधन के वैसे कौन से ऐसे नेता हैं जिनको साथ लाकर महागठबंधन के वोटों में सेंधमारी की जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा कितने काम आएंगे, आरसीपी सिंह कितने काम आएंगे, चिराग पासवान कितने काम आएंगे, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, सबकी भूमिका पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में हुई। देश का जाना माना प्रतिष्ठित मीडिया समूह है नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट हमने देखी, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि बीजेपी मानकर चल रही है कि बिहार में महागठबंधन के पास 55% वोट है। हालांकि हमारा आकलन है कि 55% वोट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बिहार में महागठबंधन के पास कम से कम 50% वोट तो है ही आज की परिस्थिति में। और भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत की बात कर ले तो वो बहुत पीछे, एनडीए की भी अगर बात कर ले तो महागठबंधन से बहुत पीछे वो दिखाई देता है। आखिर इस अंतर को बीजेपी कैसे पाटेगी? सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं 2015 के विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि आधार उसी को माना जा रहा है। 2015 विधानसभा चुनाव में जैसी परिस्थितियां थी, ठीक वैसी ही परिस्थितियां आज भी है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस साथ थी, इस बार भी ये साथ हैं, लेकिन इस बार लेफ्ट भी महागठबंधन के साथ है। इस बात पर गौर फरमाना होगा, बिहार का कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं जहां 2%, 3%, 4%, कहीं कहीं 10% तक वोट शेयर वाम दलों का भी है, और वाम दलों के साथ आने से महागठबंधन मजबूत हुआ है। इसलिए बात की जा रही है 15 के विधानसभा चुनाव की, और 15 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी में क्या था? बीजेपी थी, चिराग पासवान की पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा थे, जीतन राम मांझी थे, आज भी वही कमोबेश परिस्थितियाँ हैं, और ठीक उसी परिस्थिति में दोनों दल आमने सामने होने जा रहे हैं, दोनों गठबंधन आमने सामने होने जा रहे हैं। और अगर 2015 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो 42% के लगभग वोट महागठबंधन को आया था, उसमें लेफ्ट नहीं था, याद रखेंगे 42% वोट महागठबंधन को आया था, जबकि बीजेपी को 34% वोट आया था, 8% का फर्क माना जा रहा है। फिर एक संभावना ये जताई जा रही है कि सम्राट चौधरी के आने से, जो कुशवाहा वोटर हैं, उपेंद्र कुशवाहा के आने से एनडीए के साथ जा सकते हैं। 2015 में भी उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीति के चरम पर थे, केंद्र में मंत्री थे, उपेंद्र कुशवाहा के लिए उससे बड़ा गोल्डन पीरियड कुछ नहीं हो सकता, और उस मजबूती के बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सिर्फ 2.60% वोट हासिल हो चुके थे। अब बीजेपी के सामने यह सवाल है कि कैसे वो महागठबंधन के वोट बैंक में हेराफेरी, महागठबंधन के वोट बैंक को वो साध सकता है या उसमें कुछ अंतर ला सकता है, उस वोट बैंक को कम कैसे किया जा सकता है। आरसीपी सिंह की बात की जा रही है, अब राजनीति पर जो भी बिहार की राजनीति को देखता बूझता समझता है कि आरसीपी सिंह की हैसियत है कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जो कुर्मी वोट बैंक है, वो उसको तोड़ दे। जीतन राम मांझी अपने बूते कितनी सीटें, कितना वोट प्रतिशत एनडीए को दिला सकते हैं, ये भी सबके सामने है। चिराग पासवान में दम है, चिराग पासवान के पास वोट बैंक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी वोट बैंक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये वोट बैंक 2015 में भी हुआ करता था। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक पर किसी को संशय नहीं है, किसी को दाग नहीं है, लेकिन जो महागठबंधन का वोट बैंक है, आरजेडी का मुस्लिम यादव वोट बैंक हो, उधर कुर्मी समाज का वोट बैंक हो जाता है, नीतीश कुमार के साथ महादलित अति पिछड़ा वोट बैंक का बड़ा हिस्सा है, महिलाएं आज भी नीतीश कुमार को अच्छी खासी संख्या में वोट करती हैं, फिर लेफ्ट पार्टियाँ आ जाती हैं, कांग्रेस साथ में है, कांग्रेस के भी
का भी अपना आधार वोट है बिहार में, जो सवर्ण जातियों का जो वोट एक तरफा माना जाता था कि एनडीए का होता है, जब कांग्रेस मैदान में आती है तो सवर्ण वोट भी इधर उधर हो जाता है, कांग्रेस उसको अपने पाले में ले लेती है। जहां कांग्रेस मैदान में होती है सवर्ण उम्मीदवार होते हैं और बीजेपी के टिकट पर किसी दूसरी जाति के उम्मीदवार होते हैं तो वहां सवर्ण बिरादरी के मतदाता कांग्रेस को वोट कर देते हैं। ये बिहार की राजनीति की कहानी है और बीजेपी को इस पर गौर करना होगा। मीडिया में बयान देना, सोशल मीडिया में आई सपोर्ट लिखना, सरकार बदलने की बात करना, सरकार इससे नहीं बदलती। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है और खूब मंथन का दौर चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस फॉर्मूले के तहत बिहार में महागठबंधन को परास्त करने, महागठबंधन को चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए काम करने जा रही है। अगला कदम उनका क्या होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।